सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो तेज पंजाब न्यूज़। मैं हाँ बिनू शर्मा। अज बड़ी प्यारी ते सोहनी एक्ट्रेस ते सिंगर तुहानूं मिलवाउण जा रहे निमरत खैरा। इस समय मेरे नाल मौजूद ने तीजा पंजाब फिल्म दे ट्रेलर लॉन्च ते पहुंचे हुए हैं। निमरत, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। जिदों थोड़ी जर्नी रही है सिंगिंग विच, बहुत ही इंट्रस्टिंग रही है ना। तुसीं पहली परिवार चो बच्चों जिहड़े थर्ड ग्रेड तक पहुंचे थे, बहुत ही अर्ली एज तो स्टार्ट कर दिता सी, जिदा रब करके सोंग तो डेब्यू किया, दैन अफसर मूवी तो डेब्यू किया। असली डेब्यू अफसर मूवी तो मानते हो बीइंग एक्ट्रेस और सिंगर? असली डब मैं हूँ जड़िया फिल्म आ रही तो मनागी, क्योंकि ये मैं लगता मैं बहुत इन होके ये फिल्म कीतियाँ, जी तीजा पंजाब की है बहुत इन होके की है। और इदों तक जो मैं लाहौरीए की एक्सपीरियंस, इस तो पहला मैं अफसर करी, जोड़ी करी, सौंकन सौंकने करी, ये सारिया फिल्म कर चुकी सी, फिर तीजा पंजाब की, हालांकि रिलीज़ ये पहला हो रही है। सो ये जड़िया इंप्रूवमेंट्स ने या बहुत कुछ मैं एक्सपीरियंस कर चुकी सी, क्योंकि एक्सपीरियंस सब तो चीज़ होंगी। एक होंगे तुम्हें सीख्या, एक होंगे तुम एक्सपीरियंस भी की चीज़, सो एक्सपीरियंस बहुत व्डा आ। और वो सारिया चीज़ा जो तो जुड़ जाने तो डेफिनेटली वधिया चीज़ा होंगे। हूँ तक जिन्हें भी गाने गए ने उन्होंने आइडलस किदा कर दो बीइंग अ सिंगर? जॉनर हर एक डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स ने। मेरा एक तो लिरिक्स नू लैके हुंदा कि कोई भी इदां दी चीज़ ना होवे जिहड़ी ऑफेंसिव होवे या सुनन च अजीब लगे। सो डिफरेंट जोनर्स जिहड़े ने उह गाए जाण। हुण मैनू ज़्यादा है कि मेरे रोमांटिक गाने ज़्यादा चलण, ते जिवें जान गाना आया सी इवें दे गाने मैं एल्बम च वी करे आ। मेरी एल्बम आ रही है दिसंबर दे विच निम्मो, ते उहदे च ट्राई कीता कि सारे जोनर्स जिहड़े उह गाए जाण। इश्क कचहरी तो उन्होंने फेम मिला सी इंडस्ट्री विच, की कहना चाहोगे? एक बहुत खास चीज़ होंगी अपनी, काइंड ऑफ मैमरी कैप्चरिंग होंगी है कि आपको जोड़े गाने तो फेम मिले इंडस्ट्री, जिद एंट्री की है, करियर की शुरुआत की है। हाँ जी, ओबियसली वो चीज़ा थोड़े लिए स्पैशल होंदिया ने, जिन्हों चीज़ों तो थोड़ा पहचान मिलती है। तो बाकी बंदे का काम मेहनत करनी, रब मेहर करता है, हर एक तो करता है, तो मेरे तो भी करी है। एक्टिंग से सिंगिंग दोनों अलग अलग जॉनर्स ने, अलग अलग फील्ड ने, किस नज़रिए नाल देख दो इन फील्डों, चाहे सिंगिंग है चाहे एक्टिंग है? मेहनत तो दोनों तो इक्वली लगती है। तो फिल्म दे विच इह हुंदा कि ज़्यादा क्र्यू हुंदा आ, गाने विच इन्ना क्र्यू नहीं हुंदा, तो मेहनत दोनों तो लगती है। तो जिहड़ी तीजा पंजाब मूवी है बहुत हटके बनी है, डिफरेंट कंसैप्ट है ना, हर एक तरह का मतलब तड़का मौजूद है, जिहड़ी ऑडियंस नूं चाहिए, क्योंकि करोना काल तो बाद थिएटर खुल चुके ने मुड़ तो। की कहना चाहोगे, किस तरह देख दो अपने करैक्टर नूं, किदां दे शेड्स देखण नूं मिलणगे ऑडियंस नूं? बड़ा ही रिलेटेबल करैक्टर होएगा, क्योंकि जिस दिन ट्रेलर आया ना उस दिन मैनू उस दिन के काफ़ी कॉमेंट्स आ रहे हैं भी मेरी मम्मी ना इवें बोलते हैं या मेरी भैन इवें बोलती है जिवें तुसीं बोलने हो फिल्म दे विच। ते बड़ा ही रिलेटेबल जिहा करैक्टर आ, पिंडा दी स्टोरी आ, पिंड दे डिफरेंट डिफरेंट घर की स्टोरी आ, मुद्दा इक्को आ जमीन, तो जिहड़ा एक रॉनेस आ ना वह इस फिल्म दे विच देखण नूं, मतलब अहीं कह सकते हैं असली जो पिंडा च हुंदा आ बड़ा रीयल जिहा देखण नूं मिलेगा। किसानों के मुद्दे को हाईलाइट किया है ना, क्योंकि किसान वीरां नूं इंसाफ मिल चुके हैं, कि पता से जब उन्होंने जित मिलेगी उदों ही मूवी बिल्कुल सही टाइम पर रिलीज़ की आ रही दिसंबर च? नहीं पता नहीं सीगा, पर जदों जिहड़ी स्टोरी लिखी सी या जिहड़ी असीं स्टोरी बनाई सी उहदा क्लाइमैक्स जित वाले पासे ही जांदा सीगा। ते पंजाब नू, पंजाब दे सारे लोगों नू बहुत बहुत वधाइयां कि अपनी जित हुई है, ते ओ जित नू फिर तो लोग मानणगे, इंजॉय करनगे तीजा पंजाब दे विच। निमरत, तुसीं दस्सिया कि तुहानूं कल्ले रहना पसंद है, तुसीं पीस ज़्यादा पसंद करदे हो, इदां क्यों? क्योंकि अक्सर ही देखिया जांदा कि हड़बड़ी वाला माहौल ज़्यादा पसंद आता, बट पीस ऑफ माइंड कितने फील कर दी, कितने फाइंड आउट कर दी? मैनू, मेरे लिए शांति बहुत जरूरी है, सुकून बहुत जरूरी है, उहदे लई मैं कल्ला रहना पसंद करदी हां। मैं बड़ी इंट्रोवर्ट हाँ, तो वो मैनू कल्ले रह के ही सुकून मिलता। तो जो मूवी का करैक्टर तुम्हें किया, सब तो बड़ा चैलेंज की रहा है, क्योंकि लाउड करैक्टर जो थोड़ा इनोसेंट फेस है, वह बहुत चीज़ बहुत इंपैक्ट पाती ऑडियंस से फैनस से, कि असी मतलब जिहड़ी चीज़ सोची होंगी उही सानू एकदम करैक्ट मिल जाती, कि असी इनू स्क्रीन पर पोर्ट्रेट करी। मैनू सी कुछ अड करना जोड़ी नालों, जोड़ी दे विच एक इनोसेंट जी कुड़ी आ, सॉफ्ट स्पोकन आ, तो मैनू सी कुछ अड करना, तो ये करैक्टर जिहड़ा सी ओह पिंड दी कुड़ी दा सीगा, फिर उस हिसाब नाल ढलना पैना सीगा, तो कोशिश की आ, उम्मीद आ सबनों पसंद आएगा। तुसीं अपने आप बदलाव की देखे इस करैक्टर नूं करन तो पहलां जे गल करिए तां? इस करैक्टर करन तो बाद की बदलाव आया, मैनू लगता कि जदों अड अड करैक्टर्स करी जा रहे हो ही, मैं कह रही एक्सपीरियंस नाल फर्क पैंदा। हुण ये चीज़ एक होर ऐड होगी कि मैं ये भी करके देख लिया, कल नूं मैं कोई होर फिल्म करांगी तो उहदे विच इंप्रूवमेंट जिहड़ी आ ओह दिखेगी, क्योंकि हर फिल्म तो, हर चीज़ तो, हर प्रोजेक्ट तो कुछ ना कुछ सीखण नूं मिल रहा है। किसी ना किसी
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਡਲ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟਿੰਗ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਆਈਡਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 2022 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੰਮੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋੜੀ ਆਏਗੀ ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਘੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਫੇਵਰੇਟ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਕਰੇ ਵੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟਣੋਂ ਬਚਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨੀ ਲਮਕਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪਣਾ ਸਜਣਾ ਲਵਾਂ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਜਣਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਬਰਦੀਪ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲਵ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਭੱਜੂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੌਂਗ ਲਾਚੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹਰ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਹਰ ਜੌਬ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ 2 ਅਤੇ 2 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ 2 ਅਤੇ 2 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਐਸੇ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਫ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਬਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਹਨੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਠੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਕਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਜੋਬਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਵੀ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਬਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਹੈ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੌਰਥ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੈਰ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਾੜੋ ਧਨਕੌਰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਹੈ ਨਾ ਭੱਜੋ ਵੀਰੂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਰਤ ਖੈਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪੰਕਚੁਅਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 8:30 ਚੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਤੁਰਨਾ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਜੌਨ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਆਡੀਅੰਸ ਵੀ ਫੈਨਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਏਜ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਡਸ ਆਡੀਅੰਸ ਅਤੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
मैं लगता हर तरह का इमोशन है, क्योंकि जो जो पंजाब की जो गल करते हैं तो पंजाब के घर हर तरह का इमोशन है। सानू सानू हसन की आदत भी है, सानू साडे जज्बे भी तकड़े है, असी डिगते भी नहीं छेती। हाँ असी भावुक भी होंगे हाँ कुछ चीज़ा लैके, तो ये सारा कुछ ही है जी। जो पंजाब की खुशबू है, पंजाब का रंग है, वो सारा इस फिल्म चाहिए। अमरदीप ऐसी कि फिल्म की चीज़ जी एक इंपैक्टफुल प्रूफ होएगी ऑडियंस में, इंपैक्ट छट गई होंगी कोई ना कोई चीज़ ऑडियंस थिएटर तो बाहर आना तो इंपैक्ट छट के जाना। मैंने लगता जी वो अपने आप से माण करूगी कि यार असं पंजाबी हैं, इस गलते माण मैं लगता करे। जो हूँ भी हों अज भी मैं बॉम्बे जाना, मैं बड़ा माण हूँ जो मैं किसी कहना कि मैं पंजाब तो हाँ, पता नहीं है गल हैगी। और दूजे बंदे भी बहुत रिस्पैक्ट करते, अच्छा पंजाब से हैं। सो मैं लगता फिल्म वेख के सूँ होर ये लगो कि हाँ यार असं पंजाबी हैं, तो असी ठीक हाँ। यूनिवर्सिटी कि मिस कर दो जितों आपने पढ़ाई की है? डेफिनेटली मिस कर दी। मैं थोड़े दिन पहले जाके आया, तो मैं उत्थे जाके जो स्टेज पर जाना से उस तो पहला मैं जरा कैफे वो बेंच जिते असी बैठे रहे हैं आपकी पढ़ाई दौरान, मैं उत्थे किन्ना चेहरी बैठा रहा, तो मेरे सामने वो सब चेहरे घूम रहे सामने। लग रहा है कि वक्त नहीं बीतता, वक्त उत्थे ही रहता, सिर्फ बंदे बीत जाते हैं। सो मैं बहुत मिस करता जी। हम की एक्सपैक्टेशन ने फिल्म लैके, टीम एफर्ट है कि अगली फिल्म लैके आऊँगे, कि सरप्राइज होंगे ये अगे जी जो जो फिल्म है डेफिनेटली प्लैंड है कि, और मैं लगता है कि वो एक अलग विषय की फिल्म है, वो होर एक विषय है जरा शायद अनछोया अज तक पंजाब। सो जल्दी वो अनाउंसमेंट करा जी। हाँ तुम देखा से कि मेरा अमरदीप जी ने कि बहुत सोहनी फिल्म बनी है, तीजा पंजाब 3 दिसंबर रिलीज़ हो रही है, हर एक इमोशनल फिल्म में मौजूद है। तुम भी फिल्म का वेट करो, 3 दिसंबर फिल्म रिलीज़ हो रही है, हर एक मुद्दा हाईलाइट किया गया। बने रहो तेज़ पंजाब न्यूज़ नाल।